मुरैना जिले के कैलादस में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान के बाहर रखे सामानों को हटाया। वहीं दोबारा सड़क पर अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कैलादस SDM वीरेंद्र कटारे ने बताया कि स्थानीय लोगों से शिकायत मिली थी कि सड़क पर अतिक्रमण करने से आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे न सिर्फ स्कूली बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुँचते, वहीं कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। नागरिकों की शिकायत पर SDM मौके पर पहुंचे, जहाँ 2 JCB मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान प्रशासन ने सड़क से गिट्टी, बैंड बाजा, रेडी मिक्सर मशीन को हटाया, साथ ही गिट्टी को मिट्टी में मिलाकर नष्टीकरण किया गया। SDM ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क पर फिर से दोबारा अतिक्रमण किया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान SDM के साथ तहसीलदार विश्राम बघेल, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व के अधिकारी मौजूद रहे। कल जो कैलारस के रहवासी हैं, कवलगढ़ के रहवासी हैं, सभी की शिकायत आ रही थी, बार बार फोन आ रहा था कि तीन तीन चार चार घंटे उनके बच्चे लेट पहुँचे घर पे, कितना जाम लगा यहाँ सड़क के किनारे। इन्होंने गिट्टी, गोबर ये सब डाल रखा है, सारी दुकानें सड़क के किनारे, पूरा शहर सड़क के किनारे धंधा कर रहा है। इनको अल्टीमेटम ये दिया जाता है कि आप यहाँ से तत्काल हट जाएँ, आप जो परिवहन है उसको नहीं रोक सकते, आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं उसमें से, और ये पूरी जनता परेशान है यहाँ की। यहाँ उसके पास 100 रुपया रखी हुई है और 50,000 लोग परेशान हैं उनके पास, एम्बुलेंसेस यहाँ से निकल नहीं पा रही है, मरीजों को दिक्कत है। इसलिए आज फिर से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इनको भी अल्टीमेटम है कि जल्दी से जल्दी अपनी बीमारियों वगैरह सब निकालें और पीछे। सर ब्रजगढ़ी का भी बहुत बुरा हाल है सर, वहाँ कल 2-3 छोटे छोटे हादसे भी हुए हैं सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? वहाँ भी स्थिति ऐसी है सर, ब्रजगढ़ी रोड सर, नेपरी ब्रजगढ़ी, नेपरी रोड पर जो पानी भरा है सर, उसके संबंध में रेलवे में चर्चा हुई है सर, वो वहाँ बोर कर रहे हैं, जैसे अन्य जगह बोर होते हैं तो पानी जो है बोर में नीचे जाएगा, इससे ये भी फायदा होगा कि रिचार्ज भी हो, ये सिस्टम अपना रहे हैं। धन्यवाद सर।